Hello let's see this question. The noble gases have closed shell electronic configuration and are monoatomic gases under normal condition. The low boiling point of the higher noble gases are due to the weak dispersion forces between the atoms and the absence of other interatomic interactions. The direct reaction of xenon with fluorine leads to a series of compound with oxidation number of plus 2, plus 4, and plus 6. XEF4 reacts violently with water to give XeO3.

थ्योरी इसके बेसिस पे हम कंपाउंड का स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करेंगे ठीक है बच्चों तो वेस्पर थ्योरी में हम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं तो जीनोन XeO3 ओ थ्री इसमें सेंट्रल एटम कौन है जीनॉन है दिस इज द सेंट्रल एटम तो हम इसी पे देखेंगे वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें एट इलेक्ट्रॉन आउटर में यानी इलेक्ट्रॉन होते हैं क्योंकि ये नोबल गैस है इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है

यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे टोटल कितने थ्री सिग्मा बॉन्ड्स हैं और वन लोन पेयर है ना? थ्री प्लस वन फोर फोर का मतलब इसमें फोर एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे एसपी थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है कि इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए थी बट लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या होता है रिपल्सन होता है रिपल्सन की वजह से इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड हो जाती है टू पिरामिडल तो यानी कि इसका स्ट्रक्चर हम अगर दोबारा से देखें तो इस तरीके से हो जाएगा यहाँ पे लोन पेयर है ये एक पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर हो गया तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आई होप इन वेल बेस्ट ऑफ लक